हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन थ्री साइड इज रिफर टू एस। एक लैंड मास है जो कि सी से तीन साइड से घिरा हुआ है, ठीक है, बाउंड हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। माउंटेन रेंज है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। वो म्यांमार की बाउंड्री से मिलकर के बनती है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एस। क्या बोलते हैं उसको? तो ये हो जाएगा हमारा कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इस। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये हो गया महेंद्रगिरी। ओके, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज। ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जो अरावली रेंज और विंध्य रेंज के बीच में आता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका द मलवा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग अ कोरल ओरिजिन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कॉन्टिनेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड किस मतलब कि विच कॉन्टिनेंट वाज नॉट अ पार्ट, मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट है जो इसका पार्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हमारा यूरोप। यूरोप वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन लैंड मास इज द ओल्डेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसा कौन सा लैंड मास है जो बहुत ही पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। हाँ, द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज द सतपुरा रेंज सिचुएटेड। किस स्टेट पर हमारी सतपुरा रेंज स्थित है, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी रेंज? सतपुरा रेंज, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सी और ओशन इज द लक्षद्वीप सिचुएटेड। मतलब कौन से सी या ओशन पर लक्षद्वीप सिचुएटेड है, स्थित है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज द शिवालिक रेंज सिचुएटेड। कौन सा स्टेट है जहां पर हमारी शिवालिक रेंज स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द शिवालिक रेंज इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो ये तो सबको आता होगा, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम अ पास विच इज़ नॉट अ पास इन ईस्टर्न हिमालयस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेम अ पास, एक पास का नाम बताना है विच इज़ नॉट अ पास इन ईस्टर्न हिमालयस, जो कि ईस्टर्न हिमालय का पास नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा द खाइबर पास इज नॉट अ पास इन ईस्टर्न हिमालयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैज स्टीप स्लोप, ठीक है, तो मतलब कौन सा वेस्टर्न घाट है जहाँ पर स्टीप स्लोप है, ढलान है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा द साउदर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट हैज स्टीप स्लोप। साउदर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट मतलब वेस्टर्न घाट के साउथ साइड पर एक स्टीप स्लोप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया द मलाबार कॉस्ट लाइस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न कॉस्ट ऑफ इंडिया। द मालाबार कॉस्ट लाइस ऑन द वेस्टर्न कॉस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मालाबार कॉस्ट जो है वो हमारा कहाँ पर लाइज है? वेस्टर्न कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कॉस्ट। क्वेश्चन है आपका, टू विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया डू द अरावली बिलोंग्स, ठीक है, अरावली किस फिजियोग्राफिक डिवीजन से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द माउंटेन रीजन, अरावलीज बिलोंग टू द माउंटेन रीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉट अ माउंटेन रेंज ऑफ पूर्वांचल। तो एक रेंज का नाम आपको राइट करना है जो कि पूर्वांचल की नहीं है, ठीक है, माउंटेन रेंज है बट पूर्वांचल की नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा द कराकोरम इज नॉट अ माउंटेन रेंज ऑफ पूर्वांचल। 18 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर कौन सी होती है? तो इसको बोलते हैं हम अ रिवर विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड अ पेरेनियल रिवर। एक ऐसी रिवर जो पूरे साल भर बहती रहती है उसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम वन रिवर विच इज नॉट अ रिवर ऑफ द नॉर्थ। एक ऐसी रिवर का नाम लिखना है जो कि नॉर्थ की रिवर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका द महानदी। महानदी इज नॉट अ रिवर ऑफ द नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉर्ज। गॉर्ज क्या है? तो इसको पढ़ेंगे, अ डीप वैली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डाउन कटिंग ऑफ द स्ट्रीम इज कॉल्ड गॉर्ज। देखो, एक डीप वैली होती है जो किसके द्वारा बन जाती है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आता है, धारा आती है, तो वहाँ पर एक वैली बन जाती है और उसी को हम गॉर्ज बोलते हैं। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ओके। आपने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।